मेरे ख्याल में दोस्तों अब बारिश नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मौसम साफ होता जा रहा है, धूप भी निकल गई है और सारे बादल भी इधर उधर चले गए हैं और अब फाइनली हम चला सकते हैं अपने घोड़े को। तेजा भाई आज घोड़े की राइड करने वाले हैं, चलो चलते हैं। तेजा भाई राइड करनी है इस पे, ठीक है, डरोगे तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया, इस पे राइड करनी है, देखेंगे कैसे चलाते हो आप घोड़े को। गद्दी वद्दी यहाँ सेट हो रही है, अंशुल देखना और सीखना, ठीक है, सीख तड़ तो जरूर। ये नई नई चीज है कुछ, चलो नहीं नहीं ना, मेरे पास मेरे हाथ में दर्द है, खींचना तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दांत से खींचना आसान बात थोड़ी है। ये देखें शेर, क्या बात है बाबा, दांत से घोड़ा उठा दें। हाँ दांत से घोड़ा घोड़ी सब उठा लेते हैं। हाँ सब उठा हुआ ये दोस्तों रफ्तार को बाहर लेकर तो आ गए हैं और बाकी सब आगे चले गए हैं, मैं स्कूटी निकालने में लेट हो गया, देखते हैं आगे कहां तक गए हैं, चलते हैं और देखते हैं भाई तेजा भाई को राइड करवाएंगे रफ्तार की। तेजा भाई ठीक भाग रहा है घोड़ा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आप बैठोगे? हाँ आ जाओ, तो आ जाओ नीचे आ जाओ। चलो कल बिजेंदर भाई और कोच साहब की आर्म रेसलिंग हुई थी और आज वो दोनों कर रहे हैं कुश्ती। होगी 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 आज। बहुत बढ़िया, घुटने नहीं मुड़ना मुड़ा इस तरीके से नो, तेरे ये जो इन पे और इन पे सब पे और पीछे कैसे सारी बुझेगा। पैतीस पैतीस है लास्ट, पैतीस लास्ट है। हाँ भाई अभी करोगी ये दंड, दो तीन उठाना जा, फिर इस पे अगर यू 20 पे उठ जाता है, चार पांच छह सात आठ नौ होगी भाई, दस ग्यारह हमें पता ना 20 लगे। बड़ी अजीब बात है यार, तेजा भाई आज आए हैं और आज ही वापस जा रहे हैं, रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि जो हमारे डॉग्स हैं भाई वो तो मीट खाते ही हैं, वो मीट खाते हैं, लेकिन तेजा भाई एक बिल्कुल पुजारी आदमी है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते मीट वगैरह ये सारी चीजें, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो मैं यहाँ रहूंगा तो मुझसे यहाँ खाना भी नहीं खाया जाएगा, मेरा बनेगा नहीं यहाँ पे। तो यार अब ये क्या दिक्कत हो सकती है, अब डॉग्स को या तो हम शाकाहारी बनाएं बिल्कुल या फिर इन्हें मांसाहारी बनाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए अब तेजा भाई को हम दोबारा से छोड़ने जा रहे हैं। यार बताओ इतनी दूर से आए बेचारे और अभी इन्हें वापस जाना पड़ेगा। तेजा भाई जब नया फार्म बनाएंगे वहां तो आ जाओगे? पक्की बात है? चलो भाई, तेजा भाई कह रहे हैं कि जब आप नया फार्म बना लेंगे ना वहां पर थोड़ा मीट वीट का हिसाब थोड़ा अलग रखना, तो तब शायद ये वापस आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, बैठो तेजा भाई, इन्हें हम जरा ड्रॉप करके आते हैं यहाँ पर और फिर ही अपना वापस राजस्थान के लिए निकलोगे भाई? वापस इतनी दूर से बताओ, राजस्थान से आए अब दोबारा राजस्थान जाना पड़ेगा, चलो बड़ी हिम्मत की बात है वैसे खैर इनकी, और चलो कोई बात नहीं यार, पुजारी आदमी है तो पुजारी आदमी का तो देखो कोई
कुछ नहीं करा जा सकता, हम इनसे कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूरी है इनकी भी हमारी भी। अच्छा तेजा भाई ठीक है, मिलते फिर, चलो चलो चलो। लो भाई तेजा राम भाई को तो हमने बिठा दिया ऑटो में, और अभी अपना सीधा जा रहे हैं राजस्थान, इनसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगर भगवान ने चाही तो।